लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में एक नया टॉपिक बोर्ड मास लेकर आए, जिसे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक से समझेंगे। चैप्टर 3 सिंपलीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, सिंपलीफिकेशन के अंदर ही बोर्ड मास टॉपिक आता है। बोर्ड मास बी ओ डी एम ए एस, ठीक है, क्या है ये बोर्ड मास। सबसे पहले तो बोर्ड मास को डिटेल्स में जानेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। सबसे पहले आता है हमारा बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी हमारे तीन तरह के होते हैं, सबसे छोटा, मझला और सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हम सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर। तो सबसे पहला क्या है हमारा ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा है क्या है हमारा ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक, यानी कि का। का का मतलब होता है गुणा, यानी कि गुणा करना। नेक्स्ट है हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा डी। डी का मीनिंग क्या है, डिवाइड, ठीक है। डी का मीनिंग क्या है, डिवाइड, यानी कि भाग करना। नेक्स्ट है हमारा एम। एम एम का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई। एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। एम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से एक टॉपिक्स को अच्छे से समझाऊंगा। ए का मतलब होता है ऐड, ठीक, यानी कि प्लस, जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना, ठीक है। सबसे आखिर में हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब हम जो है एग्जाम्पल के तरीके से इन्हें समझते हैं, ठीक है, कि और चलना है। ध्यान रखना, नुकसान हमें आखिर में ही करना है, ठीक है। नुकसान हमें क्या करना है, आखिर में ही, ठीक है, यानी कि लॉस जो होगा हमारा आखिर में ही होगा, ठीक है, यानी कि घटाना हमें आखिर में ही है। चलो अब हम कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे और भी अच्छे से समझ में आएगा। हमारा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। ओ का मतलब है का, यानी कि गुणा। डी का मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तरीके से इन्हें समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 36 डिवाइड 6 प्लस 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब हम इसे, जो हमने रूल्स आपको समझाया, इसे इस एग्जाम्पल में लगा के बताएंगे कि कैसे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाएं से दाएं की ओर चलना है, यानी कि इसमें हमारा क्या है, ब्रैकेट तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, ओ यानी कि का भी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, थर्ड डिवाइड, ठीक है, यानी कि भाग, क्योंकि हमें तो बाएं से दाएं की ओर चलना है, ठीक है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो डिवाइड करना हमें, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, डिवाइड 6 से 36 को करा कितना आया, 6 प्लस 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब
डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कहाँ है हमारा, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि चिन्ह हमारा शुरू में आखिर में बीच में, हमें तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है बोर्ड मास के। तो कितना आ गया, 12, 6 + 10 - 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए यानी कि ऐड। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड यानी कि 16 - 12, और फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया, 4, ठीक है। ध्यान रखना बोर्ड मास में आप जो भी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको बाएं से दाएं चलना, पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे, का है तो का, डिवाइड तो डिवाइड, ऐड हो तो ऐड, वो मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ऐड, और लास्ट में आपको सब्ट्रैक करना है यानी कि घटाना है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में करके दिखाया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये बहुत ही बेसिकली है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 5 (8+2)-3 और ब्रैकेट बंद मतलब ब्रैकेट, ठीक है, मतलब ब्रैकेट। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक तो छोटा ब्रैकेट और एक मझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे देखो हमारे पास तीन ब्रैकेट होते हैं, मझला ब्रैकेट, वो छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट है इसे सोल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो हमारे पास यहां पर दो ब्रैकेट है, एक छोटा और एक मझला। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर आ जाए तो ध्यान रखना सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट से ही यूज करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट में क्या हमारा 16, वो 8 और 2 = 10, 5 यहां क्या बन गया 10 - 3, अब जो है हाँ मझला ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां क्या होता है, अगर कोई भी संख्या कोष्टक में है और यहां पर कोई चिन्ह नहीं तो हम उसे गुणा मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। अगर किसी भी दो अंकों के बीच में कोई भी साइन नहीं है किसी भी चीज का तो हम उसमें क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 × 5 = 50 और -3, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 50 - 3 और मझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट जो है इसे सोल्व करेंगे। तो कितना आ गया, 50 में से 3 गए 47, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना हमेशा छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट 6 मझला ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 6 / 2 मझला ब्रैकेट +2 और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसमें क्या है, सेम यही है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है 6 / 2, तो कितना आ जाएगा 3, 6 - यहां क्या बन जाएगा 3 मझला ब्रैकेट +2 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 में से 3 गए 0, ठीक है, 6 + 0 + 2 बड़ा ब्रैकेट। अब 0 की हम 6, क्योंकि हमें तो क्या करना है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, डिवाइड का साइन है नहीं यहां पर, फिर डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो हम क्या करेंगे, 6 की 0 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 + 2। तो
दो को अगर आप किसी भी संख्या में जोड़ोगे उसका आंसर सेम वही बेस रहेगा, तो कितना आ जाएगा दो। ठीक है, लास्ट में मैंने सोल्व क्या किया, बड़ा ब्रैकेट। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। हमें चीज से कोई मतलब नहीं है कि किस ब्रैकेट में भाग है या गुणा पहले आ रही है या जोड़ पहले आ रहा है सबट्रैक पहले आ रहा, हमें तो अपना ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, चलो इस पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 36 माइनस 2 ब्रैकेट 20 प्लस 12 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 प्लस वो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट 1 प्लस 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे भी हम ऐसे ही, इसमें भी हम क्या है बोर्ड मार्क्स के द्वारा ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट इसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, और इसमें भी हमें अपने साइन देखने हैं कि सबसे पहले हमारा डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर लास्ट में माइनस। ठीक है, हमें प्लस 10 या 36 माइनस 2 से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ अपना ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप देखें सबसे पहले हमारा क्या है, डिवाइड। ठीक है, तो 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। 36 माइनस 2 20 प्लस यहां से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सोल्व इसे करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा दो संग है, यानी कि गुणा हमारा दो संग है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 36 माइनस 2 20 प्लस 3 दिया 9 माइनस 2 दुनी 4 प्लस 10। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में आपको ऐसे ही रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप इधर उधर के क्वेश्चन अगर आपने ये सोल्व कर दिया या इधर से सोल्व कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें हमेशा एक साइंस का ही ध्यान रखना है कि कौन सा साइन हमें कब यूज करना है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, प्लस। 36 माइनस 2 प्लस कितना हो गया हमारा 29 माइनस 4 प्लस 10। ठीक है, अब लास्ट में सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, माइनस 2 कितना जाएगा 25 प्लस 10। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसमें 36 माइनस 2 यहां पर हमारा साइन क्या है, अगर यहां पर भी हमारा कोई साइन ना हो तो वहां पर क्या होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 25 की हम क्या करेंगे, दो में मल्टीप्लाई करेंगे। 36 माइनस कितना हो जाएगा 50 प्लस 10। ठीक है, फिर रूल से अकॉर्डिंग, क्योंकि घटाना तो हमें लास्ट में ही है, तो कितना हो जाएगा यहां पर 60। 36 माइनस, हाँ देखो एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कोई संख्या हमारी 8 प्लस 2, देखो अगर हमारे माइनस के 8 है और प्लस के 2 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस के 6। ठीक है, क्योंकि यो वाला चिन्ह भी इधर आके से माइनस कर देगा, और घटाने अगर हमारा घटाने पर हमें साइन जो है, जो अगर हमारा बड़ा साइन है तो हमें साइन भी बड़ा ही लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही सिचुएशन बनी है। ठीक है, तो माइनस के 50 प्लस के 10 कितना आ गया 40। ठीक है, साइन हमें कौन से लेना, जो संख्या हमारी बड़ी है, तो बड़ी क्या है हमारी 50, तो माइनस के 40, तो इधर कितना आ गया 36। फाइनली आंसर हमारा आ गया माइनस के 4। ठीक है, क्योंकि आंसर माइनस और प्लस में भी आते हैं। ठीक,
तो आपको इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एड और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बेसिकली समझाया ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन और देखते हैं, अलग ही तरह का है। 400 का 20%, ठीक है, ठीक है। यहां क्या है, का, यानी कि ओ का मतलब दिया है, ठीक है। अगर इसे मैं इंग्लिश में लिखूं, 400 का ऑफ 20%, ठीक है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। अब इसे हम सोल्व करेंगे, 400 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, और 20% यानी कि 20% का मतलब है कोई वस्तु 1/100 में, यानी कि 100 में है वो। परसेंट का मतलब 100 होता है, यानी कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 20, अगर एक की गुणा हम 20 में करेंगे तो बात एक ही आएगी और 100, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो करी, 20 चौक 80, ठीक है। तो 80 हमारा क्या आ गया, आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर का दिया है ना, इसलिए समझाया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। डिवाइडेड 10, ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिकली है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस, एक जीरो कम हो जाएगी, 600। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जीरो एक 54, ठीक है। तो 54 10 हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। आपको बस ऐसे ही बेसिकली रूल्स लगाने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट्स दिए हैं तो, अगर ब्रैकेट्स में हमारे दो तरह के दिए हैं, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, तो आपको उसी हिसाब से छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट, फिर आपको डिफाइन करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, लास्ट में आपको सबट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे तो एग्जाम में बहुत ही वो इस तरह के नहीं देगा, ठीक है, वो थोड़ा घुमा के देगा क्वेश्चन, वो जो है क्वेश्चन को बहुत घुमा के देगा। ठीक है, संख्या भी वो बड़ी रख देगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बराबर 54 × 63, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हालांकि बोर्ड मास पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ठीक है, इसकी जगह हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या भाग में है तो बराबर में जाके क्या है की होगी, मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, जैसे हो 2/5, ठीक है, बराबर 8 × 1, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारा जो 5 भाग में है, ठीक है, तो वो इधर बराबर में जाके क्या में जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा गुणा में, ठीक है, और हाँ, और 2 इधर क्या जाएगा, भाग में, ठीक है। अगर कोई भी संख्या भाग में है तो वो उधर जाके गुणा में जाएगी। चलो देखते हैं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे मैंने x मान लिया, ठीक है, 54 × 63, ठीक है। तो यह संख्या ऊपर है, इसे हम कैसे करते हैं, सपोज करो जैसे
दो बटे एक्स बराबर पांच इंटू दो है, ठीक है। तो दो तो ये एक्स तो इधर चले जाएगा ऊपर और दो नीचे आ जाएगा, यानी कि पांच इंटू टू इंटू एक्स बराबर दो, ठीक है। तो एक्स का मान हमें निकालना है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, दो बटे दस, ठीक है। तो यानी कि कोई भी संख्या अगर इधर है तो वो ऊपर जाएगी और ये इधर की नीचे आएगी। तो x बराबर ये इधर चले गया और ये इधर, और जब हम इसे x का मान निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा बटे में, चौवन इंटू तिरसठ, ठीक है। और अगर हम इसे पूरे को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आंसर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा का मतलब गुणा, 845 का की जगह गुणा 3/5 ब्रैकेट तथा की जगह हमारा क्या जाएगा डिफरेंस, 333 का की जगह गुणा 2/3, ठीक है। तो 5 से हम डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 5 × 5 = 3 × 6 = 30 × 4 = 45, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे कितने बढ़ जाएगा, 111। अब हम इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे और लास्ट में आगे में से घटाएंगे, कितना जाएगा, 3 × 9 = 27, हाथ से लगे 2, 3 × 6 = 18 और 2 = 20, हाथ से लगे 2, 3 × 3 = 2 = 5, डिफ्रेंसिस कितना आ जाएगा, 2 2 2, घटा लो, 7 × 2 = 5 और इधर 0 × 2 = 8, 4 × 2 = 2, यानी कि 285 का क्या जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दो सौ बाईस माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/3 का मजला ब्रैकेट 42 प्लस छोटा ब्रैकेट 56 माइनस 8 के ऊपर बार, पूरा बार है भाई, प्लस 9 यानी कि पूरा बार है, ठीक है, प्लस सॉरी हाँ एक चीज और थी यानी कि वी इस, ठीक है, बोर्ड मास से पहले एक चीज और आती है वी, ठीक है, वी का मास होता है वार, ठीक है। तो सबसे अगर किसी भी क्वेश्चन के पहले बार हो तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा 2 2 ब्रैकेट 8 - 1 और बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कितना जाएगा 7 और तब इसकी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 14, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बार है तो हम सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, बार। तो बार किस पे है, 8 और 9 पे, 8 और 9 कितना हो गया 17, 8 और 9 कितना हो गया 17, 222 ब्रैकेट 1/3 का मजला 42 प्लस 56 कितना आ गया 17, ठीक है, मजला ब्रैकेट प्लस 108 बड़ा ब्रैकेट,
बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम वही रूल चल रहा है। कितने ब्रैकेट है हमारे पास, 3 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स में सबसे छोटा, फिर मझला और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। तो सब पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस, यानी कि सबसे छोटा ब्रैकेट कितना जाएगा, 56 में 17 गए, 16 में 7 गए, 9 इधर, 1 दाएं गई, यानी कि 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस 108 और बड़ा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, मझला ब्रैकेट, यानी कि 42 को और 39 को ऐड करना है, ठीक है। तो 222 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/3 का, यानी कि कितना हो जाएगा, 9, 2, 11, 4, 3, 7 और 1, 8 प्लस 108 और बड़ा ब्रैकेट। हाँ, ये यहाँ से ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करना है। बड़ा ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है हमारा, का, क्या है, का। तो 222 माइनस इसे क्या लिख लेंगे, 1/3 का मतलब गुणा प्लस 108। हम बड़ा ब्रैकेट को, सॉरी ब्रैकेट को ही हम सोल्व करेंगे। कितना आ जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, ठीक है। और 27 में ऐड हो जाएगा, कितना होगा, 108 और 27, 5 × 3 = 135, ठीक है। कितना हो गया, 135, यानी कि इस पूरे का मान कितना आ गया, 135। तो बराबर 222 माइनस 135, क्योंकि लास्ट में हमें सबट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। इधर कितना बचा, 11 में से 3 गए 8, और इधर कितना बचा, 2 में से 1 गया 1। तो 187 क्या आ गया हमारा आंसर, 187 क्या आ गया हमारा, नहीं 135 घटाना है ना हमें, तो 12 में से 5 गए 7, ठीक है। इधर कितना बचा, 11 में 3 गए 8, इधर तो 1 बचेगा ना, इधर जाएगी, तो कितना आ गया हमारा 87 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, बार को, ठीक है, क्योंकि इसके, जिसके ऊपर बार दिया होगा, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग बार से ही करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट 1 से 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/10, ठीक है, बराबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट मेथड से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसे बता दूं कि इसे कैसे करते हैं, फिर से शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। देखो नीचे क्या है हमारा अंश, इसके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम किसी भी भिन्न को, जैसे अगर भिन्न ऐसे है, तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो
हर की गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या कितना हो गया, पांच, पांच में से, और साइन हमें देखना पड़ता है कि क्या सा है, अगर प्लस का है सॉरी प्लस का है तो प्लस करेंगे, और माइनस का है तो माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा पांच में से हर कितना है हमारा पांच, कितना आ गया चार बटे पांच, ठीक है। यानी कि ऐसी बिलों को ऐसे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं तो यहां कितना हो गया, दो दो एकम दो, दो में से एक गया एक, यानी कि एक बटा दो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आता है तीन, तीन कम तीन, और तीन में से एक गया दो, दो बटे तीन, ठीक है, दो बटे तीन। इसी तरह अगली संख्या भी आती है, कितना जा रहे हैं तीन बटे चार गुना, बीच में मैंने बता रखा अगर किसी में भी कोई भी चिन्ह है तो उसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, इसमें क्या आएगा चार बटे पांच। इसी तरह हमारी जो है सीरीज जो है चलती जाएगी, और यहां पर क्या आएगा नौ बटे दस, ठीक है, नौ बटे दस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखो दो से दो गया, तीन से तीन गया, ये यानी कि इसका हर और ऊपर अगली संख्या का अंश क्या हो जाएगा आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये नौ भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा, फर्स्ट जो पहली संख्या है उसका हमें क्या लेंगे अंश, और लास्ट का क्या बचा हमारे पास टेन, तो यही हमारा क्या आया आंसर, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, पर हमें तो ध्यान रखना क्योंकि बाकी सारी करते चल जाएगी, ठीक है, और हमें जो है एक चीज का ध्यान रखना है, पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आप उसे आंख बंद करके भी कर सकते हो बिना पेन पेंसिल के, ध्यान रखना एक तो हमारा है बचेगा इधर से, लास्ट का बचेगा टेन, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं उसे हम अच्छे से समझेंगे, पर ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आप तब पढ़ोगे जब हमारी सीरीज एक कंटिन्यू चल रही हो, दो तीन चार पांच किसी भी कितने का भी गैप ना होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित है, सेम ऐसे ही, वन माइनस एट बटा फाइव ब्रैकेट ब्रैकेट वन अपॉन सिक्स वन अपॉन अपॉन सेवन, ठीक, डॉट डॉट वन माइनस वन अपॉन हंड्रेड, ठीक है। इसे मैं बताना है इसका मान क्या है, ठीक है, जैसे मैंने भी क्वेश्चन कराया सेम ऐसा ही गया, हमारा एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या का फर्स्ट संख्या क्या हमारी एक, तो हम यहां क्या लेंगे सॉरी हाँ पांच कम पांच, और पांच में से एक गया चार, यानी कि पहली जो बिना हमने सोल्व की चार बटे पांच, ठीक है, और बाकी ऐसी इसे भी सोल्व करेंगे, सो एक कम सो, सो में से एक गया निन्यानवे, यानी कि नाइनटी नाइन अपॉन सो, तो बाकी जितने भी हमारे आंसर आ रहे हैं वो आके आपस में डिवाइड हो जाएगा 99। अब हमारा क्या बचा, इसमें से क्या बचा ऊपर का 4, और लास्ट वाली में से क्या बचा, लास्ट में से हर लेंगे, यानी कि लास्ट की संख्या 100, तो कट जाएगा 4 से 4 कम 4 और 25 बार, ठीक है, 25 चौका 100 होता है, तो ये हमारा क्या आया आंसर, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर वाले का कम लेंगे अंश और नीचे वाले का हर, जो लास्ट वाला होगा, क्योंकि बाकी सारी आपस में डिवाइड हो जाएगी। एक और अगर इस बार वो जो है गैप भी दे देगा इनमें, ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, ये तो था सिंपल तरीके से, अगर हमारी सीरीज जो है एक साथ चल रही है कंटिन्यू, देखो यहां भी 5 6 7, अगर वो डिफरेंस दे दे, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगर उसने इस बार जो है डिफरेंस दे दिया 2 माइनस 1 बटा 3 ब्रैकेट
दो माइनस तीन बटा पांच, दो माइनस पांच बटा सात, दो माइनस 97 अपॉन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस बार क्या है, इस बार हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू नहीं है क्योंकि इसमें गैप गैप है, ठीक है। कितने होगा? दो का, तीन पांच फिर दो, सब में इस तरह ही दो का गैप चलता हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे। तीन दुनी छह और एक, छह में से क्या पांच, यानी कि पांच बटे तीन। फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो पांच दुनी दस, पांच दुनी दस, दस में से तीन गए सात बटे पांच, तो कितना है, सात दुनी चौदह, चौदह में से पांच गए नौ, नौ, तो नौ बटे पांच, नौ बटे सात है, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, नौ उन्नीस, यानी कि 198 में से कितना घटाने, 97, कितना आ गया 101, ठीक है, 101 बटे 99, ठीक है। तो इस बार क्या था, इस बार तो हमारा जो है क्या डिवाइड हो रहा था, हाँ, इस बार क्या डिवाइड होगा, अंश, यानी कि 5 5 7 7 7 7, इसी तरह 9 9, ठीक है। तो हमारा क्या डिवाइड हो जाएगा, 99, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा, अंश लास्ट वाली भिन्न में से हमारा अंश बचा 101 और फर्स्ट वाली में से हर क्या बचा 3, क्योंकि आपस में डिवाइड हो जाएंगे और ये हमारा क्या है, ठीक है। ये तब होगा जब हमारा गैप दो दो का था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें तो हमारी कंटिन्यू चल रही थी, कंटिन्यू में तो हमें सिर्फ जो है फर्स्ट वाली संख्या देखनी और इधर लास्ट वाले, इसमें से एक उल्टा है क्योंकि इसमें गैप था, तो इसमें क्या करेंगे, अंश अंश हमारा लास्ट की भिन्न से बचा और हर हमारा फर्स्ट की भिन्न से बचा, क्योंकि बाकी संख्या आपस में जो है डिवाइड हो गई। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सर्किट 147 मल्टीप्लाई 147 प्लस 147 मल्टीप्लाई 143 डिवाइडेड, वन फोर्टी सेवन इंटू वन फोर्टी सेवन काफी हार्ड है, बच्चे भी डर जाए भाई कैसे करना है, काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, तो इसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट मेथड से करना है, शॉर्ट के साथ, ठीक है। देखो, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें तो इन मिडिल संख्याओं से मतलब है, किनसे, सिर्फ मिडिल संख्याओं से, ध्यान रखना मिडिल संख्याओं से। तो जहां पर भी इनमें मल्टीप्लाई हो रही उसका तो मान लेंगे हम एक, ठीक है, और 147 में से 143 गए कितना आया 4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताया मैंने ये, ठीक है। इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं, मिडिल संख्याओं से ही मिनी मतलब है, ठीक है। अगर गुणा करें तो वहां पे एक मान लेंगे और बाकी इन दो संख्याओं में से अपने आप प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का,
मैंने वैसे ही बता दिया था 458 × 458 प्लस 239 × 239 प्लस 458 × 458 तो मैंने क्या बताया था, हाँ पे तो सिर्फ अपनी मिडिल संख्याओं पर ध्यान देना है, बाकी पर नहीं, ठीक है। तो 458 में से कितना 239 घटाना है, कितना है 18 में से 9 गए 9, इधर कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गए 2, तो और इसका मान क्या आता है हमेशा 1। ये अगर हम किसी भी गिनी के नीचे 1 रखेंगे तो वो फिर भी 219 ही कहलाएगा, ठीक है। तो कितना है हमारा आंसर 219। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जो है सिर्फ हमें मिडिल की संख्याओं पर ध्यान देना है और कुछ नहीं, अगर वहां पर प्लस था तो प्लस कर देते और नीचे तो सिर्फ 1 ही आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिखने में काफी हार्ड है पर ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको मिडिल संख्या में ही जोड़ घटा करना है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, 629 × 629 × 629 प्लस 371 × 371 डिवाइडेड 629 × 629 माइनस 629 371 × 371 नहीं प्लस का साइन है 371 ठीक है। इसमें क्या है, तो हमें तो क्या मिडिल संख्या मतलब है, तो सॉरी यहाँ ठीक है, तो कितना जाएगा अगर यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या वाला प्लस तो प्लस करेंगे, कितना गया 9 × 10 7 × 2 9 × 10 6 × 3 9 × 10 ठीक है, और नीचे तो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1000 इसका आंसर है। अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 A/3 = B/4 = C/7 ठीक है, हो तो A+B+C/C की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है हमें सिर्फ A का मान कितना मान दिया 3, B का मान 4 और C का मान 7, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कितना आ जाएगा 3 + 4 + 7 / 7 कितना आ गया अभी 10 14 14/7 दो आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। वो इसे स्क्वायर में भी दे देगा कैसे भी दे देगा, सिर्फ हमें तो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा
ऐसे ये सीखेगा दादी। ए पॉन बी बराबर सिक्स पॉन सेवन हो तो ए प्लस टू बी बटे ए माइनस थ्री बी, ठीक है। इसमें हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, हमें पता है ए का मान कितना है क्योंकि एक सिक्स और बी का मान सेवन, सिंपल मान रखना है सिक्स प्लस बी का मान सेवन और वो इधर है कितना होगा चौदह, ठीक है। ए का मान सिक्स माइनस बी का मान सेवन है कितना आएगा इक्कीस, तो चौदह छह बीस और यहां क्या आएगा इक्कीस में से छह गए माइनस के पंद्रह, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा पांच से, पांच चौदह बीस और पांच दिया पंद्रह, तो क्या आ गया चार बटे माइनस के चार बटे तीन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स बटे वाई बराबर एक बटा तीन, ठीक है। वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने बताया था ना वो स्क्वायर में पूछ लेगा, सिंपल मान करना है। एक एक्स की जगह क्या रखेंगे हम एक और वाई की जगह क्या रखेंगे तीन, तो मैं ट्राई के मान बता रहा हूं एक का वर्ग कितना होगा एक प्लस वाई, वाई की जगह तीन रखेंगे तीन का वर्ग कितना होगा नौ, इधर एक्स स्क्वायर एक का वर्ग एक माइनस तीन का वर्ग नौ, तो कितना आ गया नौ और एक दस बटे आठ, कितना आ गया माइनस के दस बटे आठ आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक्स अपॉन वाई बराबर फोर अपॉन फाइव हो तो फोर बटे सेवन प्लस टू वाई माइनस एक्स अपॉन टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। इसका मान बताना हमें क्या है, ठीक है। एक्स का मान क्या बता रहे चार और वाई का मान कितना है पांच, सिंपली वैल्यू पुट करनी है चार बटे सात प्लस कितना हो जाएगा y का मान पांच, यानी कि दस माइनस चार बटे दस माइनस वो दस प्लस चार, सोल्व करेंगे चार बटे सात प्लस छह बटे चौदह, ठीक है। अब हम इसे बिनों को जोड़ते हैं कितना आएगा चौदह चौदह चौका छप्पन प्लस सात छह बयालीस और इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा चौदह सत्ते अट्ठानवे, तो छप्पन और बयालीस कितना होगा अठानवे और अट्ठानवे, यानी कि इससे डिवाइड हो गया पूरा कितने में एक बार एक ही हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें वैल्यू ही पुट करनी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्या है क्वेश्चन भाई, ए की घात x प्लस वन इज इक्वल टू चौसठ हो तो
ठीक है, हो तो 3 2x+1 का मान बताओ, ठीक है, का मान बताओ। क्यों पावर वाला क्वेश्चन है, इन्हें कैसे करेंगे? देखो यहां पर क्या है हमारा 8, ठीक है, तो हमें भी यहां पर बराबर करना आएगा, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, ठीक है, तो 8x+1 = कितना हो जाए 8 की पावर 2, ठीक है भाई, बात तो एक ही है क्योंकि 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो अब हमारे मान जो है समान होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्हें सोल्व करेंगे जो भी हमारी पावर है, तो x+1 = 2, तो यहां से हमारा x का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 1, ठीक है, तो x का मान हमें पता लगा 1। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें हमें x का मान रखना है, कितना है 1, 3 2, x का मान कितना है हमारा 1+1, कितना आ जाएगा 2 और 1 मिलकर 3, यानी कि 3 का क्यूब 3, यानी कि 3 की पावर 3। अब 3 को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है, तो हमारा क्या मान आ गया इसका 27, इसका आंसर क्या आ गया 27, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ x का मान 1 है और यहाँ पर हमारा x का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर x का मान है 2 × 1+1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 की पावर 3, 3 को हम 3 बार वो कर लेंगे, ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये लग तरह का क्वेश्चन आ गया, ए स्टार बी बराबर a² + ab + b², ठीक, हो तो तो 2 * 3 का मान बताओ, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ये, हमें पता है a * b तो और 2 * 3, यानी कि a का मान कितना है हमारा 2 और b का मान कितना है 3, सिर्फ इसमें हमें वैल्यू ही पुट करनी है, a का कितना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर + ab 2 * 3 + b² कितना हो गया 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 + 6 + 9 सिंपली कितना आ गया 19, ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया हमारा 19, ठीक है। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, a * b, ठीक है, बराबर 2a + b, हो तो 5 * 2, ठीक है, यानी कि हमें a और b की वैल्यू दे दी है और हमें इसका मान बताना है क्या है, ठीक है, तो सिंपली मान रखना है इसमें बराबर 2, a का मान कितना है 5 और b का 2, कितना आ गया 2 × 7, कितना आ गया 14, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।